हेलो फ्रेंड्स, नानीमा रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर लेमन चिकन। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ब्लैक पेपर लेमन चिकन बनाने के लिए हम लेंगे अदरक लंबी लंबी कटी हुई, चिकन मसाला 2 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई, 3-4 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, मक्खन 50 ग्राम, 4 नींबू का रस, धनिया पत्ती धो के ले लेंगे और इसमें डालने के लिए हम दही लेंगे। ये चिकन हम इस तरह धो के ले लेंगे। चिकन बनाने के लिए हम कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम बटर डाल देंगे। मैं चिकन को कढ़ाई में बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में या हांडी में भी बना सकते हैं। मक्खन डालने के साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। ये चिकन घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होता है और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। चिकन को हम जितना ज़्यादा भूनते जाएंगे उसका स्वाद भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इस तरह भूनते हुए हम इसको बना लेंगे और इसमें अब हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें काली मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे, अदरक काट के ले लिए वो डाल देंगे। अब इसमें चिकन मसाला ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिकन को भूनते जाएंगे जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाए। जैसे आप देख रहे हैं इसको भूनते जाएंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच दही ऐड कर लेंगे। दही डालने के बाद हम इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। दही डालने से चिकन एक तो सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब ढक्कन लगाकर हम चिकन को कुछ देर तक पका लेते हैं जिससे कि चिकन पककर सॉफ्ट हो जाए और गैस को हम स्लो कर देंगे। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। इसमें पानी काफ़ी मात्रा में सूख गया है और ये हमारा चिकन गल चुका है और इसमें मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे क्योंकि हम ब्लैक पेपर लेमन चिकन मसाला बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें नींबू डाल रहे हैं और इसमें कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू और धनिया डालने से इसमें एक अलग ही टेक्सचर आता है। ये हमारा चिकन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे और इसको थोड़े से बटर के साथ गार्निश कर लेंगे। मैं इसको ब्राउन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको प्लेन रोटी, बटर नान या प्लेन राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारा कुछ ही मिनटों में और बहुत ही बढ़िया ब्लैक पेपर लेमन चिकन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखने में जितना बढ़िया लग रहा है खाने में उतना ही लाजवाब है। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।